दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों से। इन्होंने अपनी कप्तानी से ना सिर्फ अपनी टीम को आगे बढ़ाया बल्कि भारत का नाम भी ऊंचा किया। एक सफल कप्तान होने के साथ साथ ये सभी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। पांचवें नंबर पे हैं कपिल देव, जो कि अपने समय के महान ऑलराउंडर्स में से एक हैं। इन्होंने 1982 से 1984 तक भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और ये 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले कप्तान बने। इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कुल 74 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें से 39 मैचों में भारत ने जीत हासिल की। क्रिकेट के इतिहास में वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 400 से ज़्यादा विकेट लिए और 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। कपिल देव अक्टूबर 1999 से अगस्त 2000 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। चौथे नंबर पे हैं राहुल द्रविड़, जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में दी वॉल यानी कि दीवार के नाम से जाना जाता है। ये अपने समय के महान बल्लेबाजों में से एक हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने 2006 से 2007 तक भारतीय टीम की कप्तानी की और इनकी कप्तानी में भारत ने 79 में से 42 एक दिवसीय मैच जीते। सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में 10,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पे हैं सौरव गांगुली, जिन्हें प्यार से भारतीय खिलाड़ी दादा यानी बड़ा भाई बुलाते हैं। सौरव गांगुली सन 2000 से 2005 तक भारतीय टीम के कप्तान रहे। इन्होंने अपनी कप्तानी में बहुत से नए खिलाड़ियों के करियर को संवारा और भारतीय टीम को एक आक्रामक टीम बनाया। ये भारतीय टीम को ICC रैंकिंग में 8वें स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए। इनकी कप्तानी में भारत ने 76 एक दिवसीय मैच जीते। एक खिलाड़ी के तौर पर तो इनका क्या कहना, इनके द्वारा लगाए गए छक्के तो देखते ही बनते थे। दूसरे नंबर पे हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि अपनी फील्डिंग और बल्लेबाजी के लिए विश्व विख्यात हैं। इन्होंने एक दिवसीय मैचों में 150 से भी ज़्यादा कैचेस लिए हैं। ये 1990 से 1999 तक भारतीय टीम के कप्तान रहे और भारत ने इनकी कप्तानी में 174 में से 90 एक दिवसीय मैचों में जीत हासिल की। चलिए अब इंतजार खत्म हुआ और अब आपको बताते हैं भारत के सबसे सफल एक दिवसीय कप्तान के बारे में। जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले नंबर पे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक महान बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने बहुत से वर्ल्ड टूर्नामेंट जीते, जिसमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2010 का एशिया कप, 2011 का ICC वर्ल्ड कप और 2013 में जीती गई ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। इन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। धोनी भारतीय टीम को ICC रैंकिंग्स में नंबर एक तक ले गए। इन्होंने बल्लेबाज के रूप में हेलीकॉप्टर शॉट की भी खोज की। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।